यूपी के बरेली में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आगामी पदयात्रा महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना तथा आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी के खिलाफ 5 अगस्त को होने वाले राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पर एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री, विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक कुमार उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने की। संचालन जिला प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने किया। उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा, आज देश और प्रदेश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर दालें, कुकिंग आयल जैसी जरूरी चीज़ों की कीमतें आम आदमी से बाहर हो चुकी हैं। आम आदमी के इस्तेमाल होने वाली रोजाना की चीज़ों पर भी जीएसटी लगाने के कारण महंगाई और बढ़ गई है। साथ ही देश में बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। गांव शहरों पर जगह जगह बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और सरकार सिर्फ हवा हवाई घोषणाएं कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि आगामी महंगाई पर होने जा रहे राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी देश और उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहती है कि आज भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ही है जो आम आदमी, गरीब आदमी, बेरोजगार नौजवान, पीड़ित महिलाओं, व्यापारियों, छात्र छात्राओं आदि के लिए संघर्ष करने के लिए हर समय तैयार रहती है। ऐसा है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, आप देख ही रहे हैं, लगातार भाजपा के जो भाजपा ने माहौल पैदा किया है देश के अंदर, नफरत और घृणा जो जिस तरीके से फैला रहे हैं, और लोगों का मेन मुद्दे, जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, किसानों के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, उससे ध्यान भटकाकर लोगों में नफरत और घृणा पैदा कर रहे हैं, सांप्रदायिकता को पूरी तरीके से पूरे चरम पे ले जा रहे हैं, और आए दिन माइनॉरिटी के खिलाफ खास तौर से मतलब उन्हें टारगेट करते हैं। तो हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि ये बहुत हो चुका है पिछले 7-8 साल में। तो जो मुख्य मुद्दे हैं लोगों के, महंगाई और बेरोजगारी को लेके, किसानों की समस्याओं को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, उन्हें उजागर किया जा, उसे जो है उसके खिलाफ लड़ाई हमारी पार्टी लड़ने का काम कर रही है। सड़क से संसद तक लगातार आप देख ही रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में लगातार जो है कांग्रेस उन मुद्दों को उठा रही है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।